पता नहीं क्यों एक मुझे गट फीलिंग सी आ रही है कि अर्जुन कपूर हो सकता है इंडियाज मोस्ट वांटेड के बाद फिर से अपने गेम में वापस आ जाएं। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बताना चाहता हूं दोस्तों, इंडियाज मोस्ट वांटेड के बारे में मध्यांतर हो चुका है और मध्यांतर से पहले की कहानी इंट्रीगिंग है और इंटरेस्टिंग है और आपको अपनी सीट पर जकड़े रखती है। दोस्तों अगर बात करूँ फिल्म के डायरेक्टर की, तो फिल्म के डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। राजकुमार गुप्ता साहब जो हैं वो नो वन किल जैसी का फिल्म लेकर आए हैं, वो रेड जैसी फिल्म लेकर आए हैं, आमिर जैसी फिल्म लेकर आए हैं। ऐसे में इस फिल्म से भी यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑल एंड ऑल ये एक थ्रिलर सस्पेंस और एक फास्ट पेस्ड ड्रामा होगी। और अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब कि मध्यांतर से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा ही होता है। फिल्म में आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और साथ ही साथ सारे कैरेक्टर से आप जुड़ सकते हैं। ओ बाय द वे, इंटरवल से पहले दोस्तों एक देशभक्ति पे गाना है, वो गाना आप सुनेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको देशभक्ति की फीलिंग आएगी। ओवर एंड ऑल दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 सरफिरे देशभक्त हैं, नौजवान हैं, जो कि इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़ना चाहते हैं। उसके लिए वो नेपाल जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ क्या बिट्रेयल होगा, वहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यही इंटरवल से पहले है। अभी तक अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जिस टेररिस्ट को ये पकड़ने जा रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन सीन बैक टू बैक हुआ है, फुल फीचर नहीं आया है। सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कौन है ये और कौन है इन सीरियल ब्लास्ट के पीछे, जो कि रॉ तक को फेल कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को तक फेल कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, मध्यांतर ख़त्म होके सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा, मतलब कि इंटरवल के बाद का पार्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि यस, फिल्म की स्टोरी लाइन आपको बांधे रखती है। इंडियाज मोस्ट वांटेड, राजकुमार गुप्ता और कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर और बाकी के कलाकारों का काम।